गर्मा गर्म पराठे हो और उस पर मिल जाए ये बैंगन का भरता तो क्या ही बात है। मेरे चैनल शॉप एंड चॉप पर आप सबका फिर से वेलकम। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए चटपटा टैंगी मज़ेदार बैंगन का भरता। तो चलिए बनाती हूँ। इसके लिए ले लिया है मैंने ये एक बैंगन। इस बैंगन के ऊपर मैं लगा लेती हूँ ऑयल। ये अच्छे से मैं ऑयल लगा देती हूँ। ऑयल अब पूरे बैंगन पे लग चुका है। अब मैं करती हूँ इसकी भुनाई। अब गैस के ऊपर मैं इसे भूनूंगी और उससे पहले मैं इस पर लगा लूँगी कट। तो 3-4 कट लगा लेते हैं इस बैंगन में। बैंगन को मैं बहुत अच्छी तरह से भून लूँगी। इधर मैं 2 टमाटर भी रख देती हूँ, ये भी भुन जाएंगे इस पे। अब बैंगन अच्छे से भुन चुका है और ये सॉफ्ट भी हो गया है। ये अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से ये बैंगन भुन चुका है। अब इसको रख देते हैं साइड। अब मैं ये टमाटर और ले लेती हूँ और इन टमाटर को भून लेती हूँ। अब इनके मैं छिलके उतार देती हूँ। अगर बैंगन में थोड़ा थोड़ा छिलका लगा रह जाए तो कोई बात नहीं। अब ये बैंगन छिल गया है। अब टमाटर छीलती हूँ। अब टमाटर भी छिल गए हैं। इन सबको मैं मैश कर लूंगी। इनको अच्छे से मैश कर देती हूँ मैं। अब ये भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। चलिए मैं ले लेती हूँ पैन। इसमें डालूंगी ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ यहाँ पे सरसों का ऑयल। अब इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून जीरा, 1 बड़ा प्याज चॉप किया हुआ, बारीक चॉप किया है। अब इसको मैं भून लेती हूँ।
प्याज को एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस इतना कि कलर चेंज हो जाए। अब प्याज का कलर चेंज हो गया है, प्याज भुन गई है। इसमें ऐड करूंगी मैं 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको भी मैं अच्छे से भून लूंगी। उसके बाद मैंने एक लिया है छोटा टमाटर, इसको मैंने चॉप कर लिया है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसकी भुनाई कर लूंगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर लेती हूँ ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर को अच्छे से मैश कर लेती हूँ। अब ये टमाटर भी भून चुके हैं। अब मैं लूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी, इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अपना ये बैंगन जो मैश किया हुआ था, इसमें ऐड कर देते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं भून लूंगी। अब थोड़ा भूनने के बाद मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून लाल पिसी मिर्च, 1/2 टीस्पून पिसा धनिया, 1/2 टीस्पून। इसमें करूंगी नमक ऐड और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इन सबको अच्छे से भून लेते हैं। अगर आपको लगे कि आपका पैन में भरता लग रहा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी भुनाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी अच्छे से भुनाई कर लेती हूँ। बैंगन के भरते की जितने अच्छे से भुनाई की जाए वो उतना ही अच्छा बनता है। आप लोग जब भी बैंगन का भरता बनाएं तो उसकी भुनाई अच्छे से करिएगा, तभी वो बहुत मज़ेदार बनेगा। तो मैंने तो बहुत अच्छे से ये भुनाई कर ली है और मेरा बैंगन का भरता हो गया है रेडी। अब चलिए मैं इसकी प्लेटिंग करती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।